हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसी निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख रही थी मैं स्टैंड जिसमें मोबाइल लगाते हैं, तो ये सब पे काम करता है। इसको मैं रख देती हूँ। और ये आए थे प्रेस के कपड़े, तो प्रेस के कपड़ों को भी मैं रख देती हूँ सेफ में। और मैं देख रही थी मेरे पूरे कपड़े हैं कि नहीं, तो कपड़े मेरे पूरे थे। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, एक आध कपड़ा मिस हो जाता है, तो मैं गिनकर ही भेजती हूँ और गिनकर ही रखती हूँ। तो मेरे कपड़े पूरे थे, तो मैं इनको रख देती हूँ सेफ में। सेफ को कितना भी अच्छी तरीके से रख लो कपड़े लगा कर, उसमें फिर एक आध हफ्ते में फिर वो ही खचड़ पचड़ भर जाती है। मैं तो बड़ी परेशान हूँ, बहुत सोचती हूँ कि ऐसे ही रखूँ, जैसे निकालूँ कुछ दिन बाद फिर वही गुस्सा भर जाता है अलमारी में। और फिर मैं सारे कपड़े रख देती हूँ। और ये कपड़े वो हैं जो मैंने धुले थे, तो इनकी भी तय बना देती हूँ। बस घर में यही काम ज़्यादा है, कपड़े धुलो, फिर उन्हें सुखाओ, सुखा के फिर तय बनाओ, तय बना कर प्रेस के लिए भेजो, फिर उन्हें रखो, फिर उन्हें पहन लो, फिर वही, मतलब रूटीन चलता रहता है। तो ये मैं तय बना देती हूँ। और ये टाइम हो रहा था सुबह का, और ये लाए थे लड्डू, तो फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और यहाँ रितेश भी हमारा, मैं कह रही थी कैंडी से कि चुप हो जा, मैं दे दूँगी अभी, क्योंकि ये जो होते हैं ना मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, पर मीठा इनको नहीं खिलाना चाहिए जानवरों को, क्योंकि ठीक नहीं है उनके लिए। बाल बाल टूटते हैं उनके, खुजली हो जाती है, और इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है मीठे से। इनको बहुत कम ना मात्र को देना चाहिए मीठा। तो ये आ गई थी मैं किचन में, तो ये बना रही थी मैं खिचड़ी चने की दाल वाली। तो यहाँ मैं कैंडी को डांट रही थी कि अभी दे दूँगी, रुक जा, पर वो कहाँ मान रही थी। तो मैंने उसको फिर मैंने दे दिया, एक लड्डू दे दिया था। और ये मैं खिचड़ी छौंक रही हूँ, ऊपर से नीचे उतार लिया था मैंने कुकर, क्योंकि हाथ जलने का बहुत डर रहता है मुझे, मेरा हाथ तो कभी हो जल जाता है, तो इस वजह से मैंने नीचे उतार दिया था कुकर। फिर एक जब मैंने चावल और चने की दाल वगैरह डाली थी, और लाइट चली गई थी, तो इन्वर्टर की लाइट से ही काम चल रहा था, अंधेरा सा हो रहा था थोड़ा किचन में, पर कोई नहीं, काम हो गया था पूरा, और बड़ा अच्छा लगता है। आदमी अपने कामों में व्यस्त रहता है तो उससे ये रहता है कि एक तो टेंशन फ्री रहता है, टेंशन नहीं रहती है दिमाग में, और कोई टेंशन भी हो ना तो सबसे अच्छा है कि आप आँख बंद करके 10 मिनट या 8 घंटे के लिए रेस्ट कर लो, तो टेंशन भी कम हो जाएगी और सर में जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। मैं तो ऐसी करती हूँ, कभी हो भी जाती है टेंशन। और ये मैंने कुकर लगा दिया है, क्योंकि मैंने चने की दाल की खिचड़ी की वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, तो इस वजह से मैंने नहीं आपको दिखाई है, पर मैंने चने की दाल की ही खिचड़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है, मतलब घुटी हुई नहीं होती, खिली खिली बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और आम का अचार हो उसके साथ, या मिर्च का अचार हो, चटनी हो, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये बन रही है, मैं और भी काम करने लग गई थी। फिर यही है कि अब मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के काम में। मैं लाइव आ जाती हूँ, लाइव आने लगी हूँ, तो तीन चार घंटे की लाइव हो जाती है, तो मेरा टाइम भी यहीं कट जाता है। 5-6 बजे से 5-6 के बीच में मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, 6 के आसपास,
और हम लाइव में भी चली जाती हूँ खाना बनाते बनाते। देखो सबको देखना पड़ता है, ये नहीं है कि मैं खाने में लगी रहूँ, मैं सबको देखती हूँ थोड़ा थोड़ा। भाई किसी को बुरा लगे या ना लगे, देखो ये नहीं है कि मैं सबको ये एक एक घंटा दूँ, नहीं हो सकता। और थोड़ी थोड़ी देर तो मैं सभी के में चली जाती हूँ। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, हम खा रहे हैं चने की दाल की खिचड़ी और इसमें मिर्च है, छुपी हुई चटनी है, सब्जी है और घी है, घी डालकर खाते हैं। खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और मैं और मेरा बेटा खा रहा था। हमारी कैंडी देख रही थी तो उसको भी मैंने दे दिया था, और फिर भी कह रही थी और दो, क्योंकि ये बहुत खाती है हमारी चने की दाल की खिचड़ी कैंडी। और इसके बाद फिर मैं खाना खाकर फिर मैं लाइव में भी गई थी, और शॉर्ट भी बनानी पड़ती हैं, शाम के टाइम में ही बनाती मैं शॉर्ट्स, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी बनाने का। और हमारी कैंडी भी देख रही है, कैंडी बहुत हमारी नाटक करती है और अच्छी भी लगती है हमारी कैंडी। सही बताए ना, कैंडी हमारी बहुत मन लगाती है, बहुत ही ज़्यादा मन। और कोई आ जाता है या किसी के आने की आहट हो ना, हमको नहीं पता चलेगी पर कैंडी को पता चल जाती है, तुरंत संकेत कर देती है कि कोई आया है या दरवाजे पे कोई है, तो वो बता ही देती है ज़्यादातर। तो अब बड़ा अच्छा लगता है। और इससे ये है कि मैं कभी कभी अकेली भी रह जाती हूँ, तो ये है कि कैंडी से मन लगा रहता है हमारा। और अब तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और अकेलेपन का भी एहसास नहीं रहता, क्योंकि फिर पहले अकेली रह जाती थी, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते, बेटी अपने कॉलेज चली जाती थी और बेटा अपने कॉलेज चला जाता था, तो मैं ही अकेली रह जाती थी। तो अब ये है कि कैंडी है तो उससे थोड़ा मन लगा रहता है, तो कोई टेंशन नहीं रहती है। और जरा सी मैं कहती हूँ ना कैंडी इधर आओ तो तुरंत आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा मेरे यूट्यूब फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है मेरी कैंडी का। तो मेरे ब्लॉग को जैसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।